तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले, मुझे वक्त तो याद नहीं है। अच्छा खैर, मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या है, इस निशान का? जरा एक बार देखो और बताओ। ये तो खुशखबर है, इसका मतलब तुम जा सकते हो वापस। नहीं, मुझे अभी एक और काम खत्म करना है। क्या देख रहे हो सिवान? एक बात बताता हूं, ये मैंने एक अब्रॉड ट्रिप पर खरीदा था, बहुत भारी है वो। आजकल तुम कम आते हो, काफी दिन हुए बैठकर बात किए। अच्छा ये बताओ, मॉम से मिले, कैसा लगा मिलकर? हाँ, खुशी हुई मिलके। चलो अच्छी बात है। तो क्या अब तुम उनके साथ अमेरिका जाने वाले हो? नहीं, मैंने अब तक कुछ भी तय नहीं किया है। ओ, दरअसल मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें मेरा स्टूडियो तो पता है ना? हालांकि आजकल बिजनेस पहले जैसा नहीं रहा, पर क्या करें, मुझे हमेशा लगता है कि मेरी लाइफ के सभी रंग वहीं पर हैं। अब सदियां बीत गई, पूरा माहौल बदल गया है। लोगों को अब ऐसे लगता है कि स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचाना बिल्कुल बेकार है, पर मेरे लिए वो पूरी जिंदगी है, और इसीलिए वो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब। इसलिए तुम दोनों डिस्कस करना कि मॉम को ये बात कैसे बताई जाए, उसे कैसे मनाया जाए, और उसे कैसे बताया जाए कि वो फिक्र ना करे और बिल्कुल ना सोचे, मेरी बिल्कुल चिंता ना करे। फिर मैं भी वहां आराम से रहूंगा, खुश रहूंगा वहां पर, और मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ ना हो, और मुझे अच्छा तब लगेगा जब सब साथ मिलकर खुश रहेंगे। मेरा ये काम करोगे ना प्लीज? ठीक है, यही तो लाइफ है बेटा, इट्स ओके, रो मत। अंकल, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, जब भी वक्त मिलेगा मैं आंटी से बात करूंगा। मैं आपको दिल से थैंक्स कहना चाहता हूं, मैंने आप दोनों के साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त बिताया।
आपने मुझे अपने बेटे की तरह पाला, उसके लिए थैंक यू। अरे वो तो हमारा फर्ज था। तो तुमने मुझे अपने डैड के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा? वो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। हम दोनों इतने साल से दोस्त हैं, तुम ऐसे तो नहीं थे। मैंने तुम्हारे ऑफिस में भी फोन किया था, उन्होंने कहा तुमने रिजाइन किया। फिर मैंने मीरा से भी पूछा तुम्हारे बारे में, तुम्हें कितने फोन किए। वांगटेल, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, मुझे अच्छा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अगर मेरा कोई एक बहुत खास और अच्छा दोस्त है जो तुमसे मिलना चाहता है, जिसे तुम भी अच्छे से जानती हो, शायद वो तुम्हारे साथ डिनर या लंच पे जाना चाहता है, तो क्या तुम उससे बात? एक मिनट, तुम जिस फ्रेंड की बात कर रहे हो, क्या वो दोस्त वही टैटू वाला दोस्त है ना डेल? इसके लिए पैसे भी दे दिया और तय किया आप यहीं रहेंगे। अब तक तुम्हारी मॉम को यह बात नहीं बताई है? क्या उन्हें नहीं पता? नहीं, पर मुझे लगता है अंकल ने सही डिसीजन लिया। आंटी को ज्यादा तकलीफ नहीं झेलनी होगी। अंकल का ख्याल रखने के लिए वहां प्रोफेशनल लोग होंगे। सही कहा, मैं भी इस फैसले को सपोर्ट करता हूं। मैं मॉम से बाद में बात कर लूंगा। जब मैं यहां से जाऊंगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा। क्या कहा तुमने? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं शीशी को चाहता हूं, पर वो इस दुनिया की नहीं है। जल्द ही तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं सच कह रहा था, मैंने कोई झूठ नहीं कहा। एक मिनट, क्या हुआ? मैं ये घर, अपना स्टूडियो और अपने बच्चों को तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूं। तो ये इतनी जरूरी बात है, तुमने इसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? ये हा? ऐसी जगह है जहां बीमार लोगों को देखने के लिए प्रोफेशनल लोग होते हैं, ताकि वो ठीक हो सके। वहां डिमेंशिया की ट्रीटमेंट और दवाइयां सब मिलता है। मैं वहां जाकर ठीक होना चाहता हूं। मॉम, ठीक से देखिए, हम कुछ वक्त के लिए डैड को यहां भेज रहे हैं। जैसे कि जब मैं काम पर जाता था तो दिन भर ऑफिस में ही रहता था। हाँ आंटी। मैं डेल का फ्रेंड हूं।
कैसी हो? आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। से ऊपर खींचो और ऊपर, ओके? हाँ आप ठीक है, ओके ओके, हाँ ओके ओके। जियोन, लाइट को थोड़ा उस तरफ शिफ्ट कर दो, थोड़ा उस तरफ करना, आहिस्ता आहिस्ता करना। हम आ गए पापा, मॉम, हम आ गए, हम आ गए। आओ शाशा। डैड, मैं भी हेल्प करूंगा। हाँ आ जाओ आ जाओ। अच्छा सुनो, ये तुम घर ले जाना, घर ले जाना। ये हाँ, ये मिठाई है, मैं डाइट पर हूँ मॉम। अरे नहीं, ये लेमन वाला ड्रिंक है, इसमें कम कैलोरीज होती है, पीकर देखो अच्छा लगेगा। मुझे भी चाहिए। अच्छा मैं अभी बना देती हूँ। खुशबू अच्छी है ना, देखो। हाँ? बहुत अच्छा टेस्ट है। पियो, आराम से पियो। हाँ हमारी फोटो अच्छी खींचना। हाँ अच्छे से खींचेगा। अच्छा अच्छी लग रही है, मत लो है ना। ओके ओके, गोदू बोलो। आ डेल, जल्दी आओ, बस तुम ही एक बचे हुए थे, एक फैमिली फोटो लेते। आ जाओ आ जाओ। हाँ आया, जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके अब काउंट डाउन शुरू करते हैं। ओके स्माइल शाशा, स्माइल। अब वक्त आ गया है घर जाने का। पता नहीं क्यों मुझे अपनी फैमिली को यहाँ से छोड़कर जाने का बहुत दुख हो रहा है। चलो चलो, उधर देखो देखो देखो, आशा बैठो। अपने पैरों को ऐसे रखो, ऐसे ऐसे, मैं बताती हूँ। अपने कपड़े ठीक करो। हाँ वहाँ देखो, वहाँ देखो 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 देखो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जरा रुकिए। हाँ हाँ, पहले फोटो ले लेते हैं ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो एक और फोटो, एक और अच्छे से मैं यहाँ करते हैं स्माइल के साथ। हाँ यहाँ देखो, बढ़िया। चलो चलो चलो, समझो। क्या बात है, बड़ी सी स्माइल। क्या हुआ डेल? रेडी मोमेंट डैड, फोटो आई है, बहुत अच्छी है, अच्छी आई होगी। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी फोटो स्टूडियो में हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अपनी इस फैमिली का ध्यान रखना। वो सब मुझ पे छोड़ दो। अरे हाँ, वो जो अभी फोटोज ली वो मुझे चाहिए, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? क्यों, तुम अपने साथ ले जाना चाहते हो? हम दोनों हमेशा साथ मिलकर लड़ेंगे। थैंक यू। मैं जाकर फोटोज रेडी करता हूं, डोंट वरी। शाशा शाशा, ये युवान वॉरियर आपने अपना काम खत्म कर लिया? तो क्या वापस जा रहे हो? तुम उदास मत होना, ओके? मैं वापस जा रहा हूँ। हम आपको बहुत मिस करेंगे। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा।
डैड बताइए मुझे, आप पिछले 20 साल से कहां थे? जब मैंने तुम्हारी मॉम से झगड़ा किया तब एक टैक्सी में बैठकर ड्राइवर से कहा जहां मर्जी ले चलो। पता है उस ड्राइवर से मैंने क्या क्या कहा? मैं अपनी लाइफ के बारे में शिकायत करने लगा। मैंने उसे सब कुछ बताया अपने झगड़ों के बारे में। उस ड्राइवर ने पूछा क्या तुम्हें पछतावा है अपनी वाइफ से शादी करने का? मैंने कहा सही है, मैं पछता रहा हूं। मैंने हर चीज का इल्जाम तुम्हारी मां पर लगा दिया। आखिर में वो मुझे एक अजीब सी जगह ले गया। बाद में मुझे पता चला कि वो पैरेलल स्पेस और टाइम की जगह है। वाकई में पैरेलल स्पेस होती है? हाँ, और एक नहीं ऐसी कई स्पेस होती हैं। हर एक पैरेलल स्पेस और टाइम में मेरे जैसा एक आदमी होता है, तुम्हारी मां भी होती है। पर आखिर में कोई ना कोई वजह से हम में झगड़े होते हैं और फिर ब्रेकअप, अलग अलग रीजन से। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मां और मेरा मिलना किस्मत को मंजूर है, इसलिए मैं दर बदर भटकता रहा। मैं एक ऐसा टाइम और स्पेस चाहता था जहां हम दोनों प्यार से रहे, हे लैंग चैंग और ए रैंग चैंग। फिर क्या वो आपको मिले? पर मुझे एक अलग टाइम और स्पेस में तुम मिली। तुम उस वक्त उस स्पेस में शादीशुदा थी। मतलब मेरी शादी उस डायमेंशन में हो चुकी है? और एक नहीं पूरे 6 सालों से तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें हमेशा परेशान करता रहता था उस टाइम और स्पेस की। हो योंगशी का हस्बैंड पूरे यूनिवर्स में बस वही था। एक्चुअली मैं उसे यहां ले आया हूं। उस टाइम और स्पेस का तुम्हारा हस्बैंड वांग डेल है। और अब वो बहुत जल्द ही वापस जाने वाला है अपने टाइम और स्पेस में। हालांकि वो बहुत पहले ही वापस जा सकता था, पर तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए रुक गया। क्या तुम सच में वो टैटू वाले वॉन्ग डेल ही हो ना? बताओ मुझे। आपकी हैमबर्गर्स ये लीजिए, एंजॉय कीजिए प्लीज। तो हम दोनों अलग अलग टाइम और स्पेस से हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपने डैड से दोबारा मिल पाऊंगी। कभी नहीं सोचा था कि ये सब सच भी हो सकता है। ये लाइफ का सबसे अजीब किस्सा रहा है। हम अचानक से किसी अजीब हालात में पड़ जाते हैं। तुम्हारा भी ऐसी किसी अजीब चीजों से सामना होगा जहां हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है।
77520। शिवन का वो बनाया हुआ वीडियो, वही एक ऐसी जगह है जो इन दोनों यूनिवर्स को जोड़ता है। सेवन सेवन फाइव टू जीरो, यह नंबर मैंने दो जगहों पर यूज किया था। एक तो ये मेरी शादी का टैटू है और दूसरा मैंने उसके लिए जो फेवरेट डॉल खरीदी थी वहां। हे बेबी, अब तक जाग रही हो? कहाँ थे तुम? स्टार वॉर्स का प्रीमियर देखने गया था। देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, और इसमें ये साउंड भी है, जब भी इसे हिलाओ तो इसे देखो ऐसा साउंड आता है, मस्त ना? मैं अभी यही हूँ, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही थी। अरे पर मैं मूवी देख रहा था तो फोन कैसे उठाता। हे, ये ट्राई करना चाहोगी? देखो कैसी आवाज करता है। तो तुम्हारे लिए आज के दिन से भी अब इस बारे में बात नहीं करते हैं, मुझे बस तुमसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। ये उस वांगडेल को दे देना जो उस टाइम और स्पेस में है। और उसे बताना कि मैं उसके इस अकेले डेल का रोल प्ले करके बहुत ज्यादा खुश हूं। मुझे उस पर प्राउड है।
डेल तुम वापस कब जा रहे हो? तुम्हारे डैड ने कहा कि जब मेरा ये टैटू पूरा हो जाएगा तब मैं यहां से चला जाऊंगा। उस वॉन्गडेल को तोहफा दूंगी। तुम्हें लगता है उसे ये पसंद आएगा? उसे लगेगा मैं उसके साथ मजाक कर रही हूं। सोई नहीं? क्या देख रही हो? कितना क्यूट है, मुझे दिखाओ। मॉम, ये डॉल मेरे एक दोस्त की है, वो गलती से भूल गया। मॉम, आपको किस्मत में यकीन है? हाँ बेटा, बिल्कुल। कि आपको पैरेलल स्पेस और टाइम में भी यकीन है? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऐसे इंसान से मिली हूं जो वक्त के परे जाकर आया है। मुझे लगता है कि सिर्फ प्यार ही है जो वक्त के परे जा सकता है। जा, सो जा।
भाई साहब, मेरी आज अपॉइंटमेंट थी चायकॉप के साथ। आई एम सॉरी। थैंक यू। डेल, जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होंगे तब मैं शीशी और एडन के पास वापस जा चुका होऊंगा। मेरी बेटी के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए थैंक्स। तुमने ही मुझे सिखाया कि अपनी फैमिली को खुश रखना अपने ही हाथों में है और उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर चाहे अपनों को खुश रखने के लिए हमें कितनी भी मुश्किलें क्यों ना सहनी पड़े, हमें वो सब करना चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं उनके साथ ही रहूंगा और इस पैरेलल टाइम और स्पेस के चक्कर में पड़कर अकेले खाना बदोश जिंदगी जीना छोड़ दूंगा। और अब मैं अपनी प्यारी सी फैमिली को छोड़कर कभी नहीं भागूंगा, उनकी केयर करूंगा। तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा होगा वो तुम्हें तुम्हारी उसी दुनिया में वापस छोड़ आएगा, उन लोगों के पास जो तुम्हें चाहते हैं, और हाँ, तुम्हारे होने वाले बच्चे के पास जो तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी, मुझे डर था कि तुम शीशी की केयर करने के लिए यहां नहीं रुकोगे, इसलिए मैंने तुम्हें अब तक तुम्हारे 6th एनिवर्सरी का गिफ्ट भी नहीं दिया था। अब मैं तुम्हें लौटा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि तुम और शिशि हमेशा खुश रहोगे। तुम्हारा हिला चली। भाई साहब, मैं पापा बनने वाला हूं। Hmm.
तुम क्या कर रहे हो? तुमने वादा किया था कि तुम मुझे वापस ले जाओगे। ये तुम क्या कर रहे हो? दो दिन पहले कोई तुम्हें इस दरवाजे पर फेंक कर गया था, तब से तुम बेहोश थे। और हाँ, मेरा नाम ताइचोकोव नहीं है, मैं ही लैनचेंग हूं। शीशी, तुम्हारा हस्बैंड उठ गया, कितना अजीब है ये। ऐसी जगह गया था जहां मैंने प्यार करना सीखा, और वहां से मुझे ये मिला। देखो, ये डॉल, ये तुम्हारे पास कैसे आई? फिर चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, मैं कभी कुछ नहीं भूलूंगा। मैं नहीं भूलूंगा कि आई लव यू। सुना ना तुमने? हाँ, अब प्लीज रोना बंद करो। मैं पापा बनने वाला हूं। अब आगे से तुम कहीं गायब नहीं हो सकते। मैं पापा बनने वाला हूं। कांग्रेचुलेशंस। शीशी, मुझे यकीन है कि हर पैरेलल टाइम और स्पेस वाला वांगडेल ये कभी नहीं भूलेगा कि ही योंगशी, आई लव यू। मॉम, मेरी कार कहाँ है? कौन सी कार? अरे व्हाइट कार जो मैंने नीचे पार्क करके रखी थी, अब वो गायब है। वो तो बेच दी। अरे तुमने वही बेच कर तो क्लैब द बर्गर में इन्वेस्ट किया था ना? मैं क्यों कोई बर्गर रेस्टोरेंट खोलूंगा?
कहा था तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्लैब बर्गर तुम्हारे लिए सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, ऐसी जगह है जहां लोग इमोशंस जीना चाहते हैं। डेल, तुम फिर से भूल गए, तुमने तो रिजाइन कर दिया था ना। मैंने रिजाइन कर दिया? हाँ, पर तुम फिक्र मत करो, कभी कभी हमारे दिमाग से कुछ बातें डिलीट हो जाती हैं, जैसे कि किसी पुराने सर्वर में सारा डाटा उड़ जाता है, वैसे ही हमारे दिमाग से कुछ बातें उड़ जाती हैं। एक्चुअली भाई, इसके कहने का मतलब है डेल, तुम आउटडेटेड हो। देखो, अगर तुम्हें कुछ और पूछना है तो तुम ऑफिस में वेट कर सकते हो हमारा। ये मैंने क्या कह दिया? हमारी कंपनी में एक मीटिंग है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। सोचते रहो, ठीक है, बाय बाय। बाय बाय डेल। थोड़ा तो गुस्सा आया ही होगा ना? हाँ सही कहा, मुझे भी यही लगता है। जितना कि मैं जानता हूँ, हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। उसे तो घुटनों के बल झुक के माफी मांगनी चाहिए।事业的男人，你不要气馁；事业的女人，请不要伤悲。事业的我们，到最后还不是要勇敢地面对明天。不如一起干杯。कैसा लगा? यहाँ आज जीजाजी को थोड़ी चढ़ गई है। डेल, तुम जानते हो मैं अपनी मॉम से मिला, मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे नफरत करता हूं, तुम यकीन कर रहे हो? क्या सच में? मॉम बार बार मुझे गले लगा रही थी, उन्होंने मुझसे कहा चाहे जो भी हो जाए वो हमेशा मुझसे प्यार करेंगी। मैं उनकी गोद में बस रोता रहा। मुझे लगता है डेल, मेरी मॉम मुझसे कई गुना ज्यादा प्रेम है। कम से कम उनके पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत तो थी, और उस वक्त मेरी मॉम के लिए मेरे दिल में जो भी नफरत थी, इसी के साथ उनके प्रति मेरा नजरिया बदला। डेल, मुझे अब लगता है कि वाकई मैं अब बड़ा हो गया हूं। तुम तो पूरे बदल गए हो, पूरे। पर उसने मुझे उल्लू बना दिया। मेरी सेविंग्स, मेरी कार, मेरी जॉब, जो कुछ भी मेरे पास था वो सब का सब चला गया। पर हम सब तो है ना, मैं, शिशि, वांग अंकल और आंटी, मीले, जीजा जी, शाशा, हम सब तुम्हारे साथ है डेल। मुझे लगता है कि भगवान ने दो वांग डेल को यूज करके एक अकेला वांग डेल बना दिया, और उसने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया।
सच में शिहान, तुम वाकई में बदल गए हो, सच में। वाह, एक दिन तुम्हारी बारी भी आएगी, तब मैं ऐसी भाषण दूंगा। शीशी, तुमसे कोई मिलने आया है? हमारा रिश्ता अब तक वैसा ही है। हाँ, मुझे पता चला टिफनी के बारे में। हाँ। हे, देखो, इट्स It's okay. तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? क्या तुम मेरे साथ चलोगे टिफनी से मिलने? Of course, अब रोना बंद करो। It's okay. उसने कहा था तुम्हें देने के लिए। उसने तुम्हारे अकेले डेल को वन युवान वॉरियर में तब्दील किया और उसने कहा था कि उसे तुम पर बहुत नाज है। और सबसे खुशी की बात यह है कि अगले जन्म में वॉरियर युवान उसका भी ऐसा ही रिश्ता रहेगा। आई होप तुम्हें भी ये पसंद आएगा। तुम्हें ये पसंद है?